आधुनिक जीवन शैली की तेज़ रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का विषय बहुत पीछे रह गया है और नतीजा यह निकल रहा है कि आज हम युवावस्था में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, गठिया, थायराइड जैसे रोगों से पीड़ित होने लगे हैं, जो कि पहले प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में होते थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है खाना पीना और रहन सहन के गलत आदतें। आओ हम सेहत के इन नियमों का पालन करके खुद भी स्वस्थ रहें और परिवार को भी स्वस्थ रखते हुए अन्य लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें, ताकि एक स्वस्थ एवं मजबूत समाज और देश का निर्माण हो। कल रविवार को डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में श्री गणेश विनायका और पॉजिटिव हेल्थ जोन की तरफ से मैग्नेटोमॉल रायपुर में होलिस्टिक हेल्थ सेमिनार और होलिस्टिक हेल्थ चेकअप का आयोजन कराया गया। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर अनिल गुप्ता, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट आई सर्जन, डॉक्टर प्रज्ञा, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और डॉक्टर दीप्ति, नेचुरल वैद्य ने लोगों को स्वस्थ और निरोग जीवन कैसे जिया जाए, इन सब के बारे में लोगों को सुझाव दिया। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता। बेसिकली श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और पॉजिटिव हेल्थ जोन की तरफ से ये कंबाइन एफर्ट था। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमने मैग्नेटो मॉल में एक होलिस्टिक हेल्थ सेमिनार एंड होलिस्टिक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया। देखिए, हम आज की डेट में क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, माइग्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमको इनका सोल्यूशन लगता है कि हम केवल मेडिसिन्स खा के इनको ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स का कारण है लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। तो कैसे लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, कैसे स्ट्रेस मैनेज किया जाए, कैसी कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो हेल्थ अवेयरनेस के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी यहाँ पर, जिसका नाम था होलिस्टिक हेल्थ सेमिनार एंड होलिस्टिक हेल्थ चेकअप। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं लोगों को कि पॉजिटिव हेल्थ अचीव किया जा सकता है बाय मॉडिफिकेशन ऑफ योर लाइफस्टाइल, बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस। बट जितना ये बोलने में आसान लग रहा है, प्रैक्टिकल वे में उतना आसान नहीं है। तो हम एक नया साइंस लेकर आए हैं, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम, पॉजिटिव हेल्थ जोन। और पॉजिटिव हेल्थ जोन, आई एम द डायरेक्टर ऑफ पॉजिटिव हेल्थ जोन एंड श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। और हमारा मोटो है कि हम पॉजिटिव हेल्थ जोन लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को पॉजिटिव हेल्थ अचीव करवाएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा, जो हमारे आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर दीप्ति, नेचुरोपैथ। तो हम आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ, साइकोनिरोबिक, एनर्जी मेडिसिन, इन सबको कंबाइंड वे में लेकर आए हैं, कैसे इंटीग्रेशन ऑफ अप्रोचेज के द्वारा और माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों पर काम करके कंप्लीट हेल्थ पाया जा सकता है। अल्टीमेटली बात करनी है हेल्थ की, डिजीज़ की नहीं। एज ए डॉक्टर हम ज़्यादातर डिजीज़ की बात करते हैं, अब डॉक्टर्स अवेयरनेस लेके आ रहे हैं हेल्थ के लिए। तो हम चाहेंगे कि हर कोई अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो जाए। हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ऑन हेल्थ। गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। जब हमको यह बात समझ में आएगी, तब हम रियल वे में अपने हेल्थ के लिए अवेयर होंगे। थैंक यू वेरी मच। आयुर्वेद आयु के बारे में बताता है कि हमको किस एज पे किस तरीके से रहना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमें खाना पीना कैसा करना चाहिए। अब हमको हेल्दी रहना है तो हमें सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, हमारी सोच बदलनी चाहिए। जब बोलते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो सबसे पहले हमको अपना खाने पे, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान रख के हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम समाज के प्रति अपने दायित्व तो पूरे कर पाएंगे। अगर एक हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लोगों को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर दीप्ति, नेचुरोपैथ हूँ मैं, डॉक्टर नहीं हूँ मैं। एक्चुअली नेचुरोपैथी इज़ वॉट इज़ अ टोटल नेचुरल वे ऑफ लाइफ स्टाइल, इज़ अ आर्ट ऑफ लिविंग। वॉट वी आर गिविंग, हम पेशेंट्स को ये सिखाते हैं कि आपको नेचुरली कैसे रहना है, आपको नेचुरली लाइफ स्टाइल कैसे मॉडिफाई करके जीना है। आपको जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो डाइट है, आपका जो डेली रूटीन है, उसको कैसे आपको वापस मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू ओल्ड वैदिक साइंस। तो नेचुरोपैथी इज़ समवॉट लाइक इज़ टू बी नेचुरल, हर चीज़ नेचुरल वे में जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू पंचमहाभूता थियोरी, वी आर मेड अप बाय 5 एलिमेंट। तो हम यहाँ पे 5 एलिमेंट के थ्रू आपको ट्रीटमेंट देते हैं। साथ में ऑल द साइको सोमेटिक डिसीजेस आर ड्यू टू आर माइंड। सो बेसिकली आपको माइंड पे फोकस करना है। आपको साउंड बॉडी अगर तभी होगी जब साउंड माइंड होगा। तो माइंड पे हम फोकस करते हैं, माइंड की साइकोलॉजी पे ट्रीट करते हैं। वी आर नॉट गिविंग एनी मेडिसिन, हम यहाँ पे एनर्जी मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हिप्पोक्रेट्स में बोला है कि फूड शैल बी योर मेडिसिन, आपको एक्सटर्नल फूड एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वॉट यू आर टेकिंग इट्स लाइक आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि वॉट यू आर टेकिंग इज टू बी वेरी गुड, इज टू बी वेरी नेचुरल। दैट इज़ नेचुरोपैथी एंड दैट इज़ PSZ। प्लीज़ डू कम PSZ।
इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।